हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है सिंहासन लड्डू गोपाल जी का, जो कि मैं लेकर आई थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की मंगोड़ियाँ। तो ये सोयाबीन की मंगोड़ियाँ हैं जो कि रेडीमेड मार्केट में मिलती हैं, आराम से मिल जाती हैं। और उसके बाद मैंने इनको धो लिया था, वॉश कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पर मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए, और उसमें मैंने ऐड किया है नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसमें बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी सोयाबीन की मंगोड़ियाँ। तो यहाँ पर ये सोयाबीन की मंगोड़ियाँ मेरी बॉईल हो जाएंगी अच्छे से। और तब तक ये बॉईल होती हैं, तब तक मैं राइस बना लेती हूँ। तो राइस बनाने के लिए मैंने लिया है कुकर। उसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी, और इसमें ना ब्लैक ब्लैक डाला हुआ है, ये ना रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा, मतलब जो होता है ना वो डाला हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने 2-3 लौंग डाल दी थी इसके अंदर, और उसके बाद मैंने इसमें राइस डाल दिए। तो ये थे 1 गिलास चावल, और इसमें डाल दूँगी मैं 1.5 गिलास पानी, और 1.5 सीटी लगा दूँगी। 1 सीटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीटी लगानी है, और राइस हमारे तैयार हो जाएंगे। और इधर देखिए, मेरी ना मंगोड़ियाँ जो थी वो मेरी उबल चुकी थी, तो उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया था, अच्छे से धो लिया था। और इधर कढ़ाई में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, और जब ऑयल मेरा गर्म हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दी सोयाबीन की मंगोड़ियाँ। इनको मुझे फ्राई करना है अच्छे से, क्योंकि ये जो सोयाबीन की मंगोड़ियाँ हैं ये तभी अच्छी लगती हैं जब फ्राई हो जाती हैं। और ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कुकर रखा है, उसमें मैंने डाला है ऑयल। और ऑयल डालने के बाद जब ऑयल मेरा गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा और हींग, और उसमें मैंने ऐड कर दी ऑनियन चॉप की हुई, जो कि मैंने हाथ से चॉप करके रखी थी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, जो कि मैंने कट करके रखे थे। तो ये टमाटर भी मैंने हाथ से ही चॉप करके रखे थे। आप चाहे तो इसकी और भी अच्छे से ग्रेवी भी बना सकते हो बहुत सारे टमाटर डाल के। तो मैं सिंपल ही बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो वैसे मैंने बनाया था। और उसमें मैंने डाल दिए मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, बस 4 मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। और उसके बाद इनको भून लिया मसालों को अच्छे से। और कोई भी सब्ज़ी आप बनाओ, जब तक उसमें मसाले अच्छे से भुने ना तब तक कोई स्वाद नहीं आता है उसके अंदर। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो भी हमारे आलू हैं वो, और उसके बाद इसमें डाल दूंगी सोयाबीन की मंगोड़ियाँ। और मंगोड़ियाँ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितनी आपको पतली या गाढ़ी रखनी सब्ज़ी उसी हिसाब से। और उसके बाद कुकर में सीटी लगा दें 2-3, और उसके बाद इसमें जब हो जाए तो गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालें, और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो आप। और उसके बाद मैंने इसको सर्व किया चावलों के साथ। तो हमारी सब्जी हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनु केटरिंग व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, और आज है वेनसडे और इवनिंग का टाइम है, अभी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बताऊँ तो आज मैं मतलब थोड़ा सा, मतलब सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैं कहना है, आज मेरी छोटी वाली डॉटर की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर हो रहा है, और बस वो आज थोड़ा सा मतलब परेशान कर रही है, उसको फीवर है। तो वो मतलब मन नहीं लग रहा है उसका बिल्कुल भी, वो छोड़ ही नहीं रही है मुझे। और बस मैंने उसे दवाई तो दे दी है, अभी देखते हैं क्या होता है। और इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, आजकल बच्चों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अभी बारिश भी नहीं आई है हमारे यहाँ पर, जैसे इन दिनों में बारिश स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमारे यहाँ अभी पर बारिश भी नहीं आई है बिल्कुल भी। तो बारिश आ जाती तो थोड़ा सा मौसम शायद ठंडा भी हो जाता। और मैं एक बात और कहना चाहती थी आप सबसे, कि आप सबको दिल से थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। आप सबने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, कितने प्यारे प्यारे सजेशन दिए, इतने प्यारे प्यारे बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबने बोला कि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिन्हें भूल नहीं पाते हैं, तो लेकिन ज़िंदगी ना रुकने का नाम नहीं होता है, उससे आगे बढ़ना ही होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग समझते हैं मेरी फीलिंग्स को, समझा आप सबने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन आप सबके सपोर्ट के बिना तो आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं यूट्यूब पर, नए फ्रेंड्स हैं, सब लोग मुझसे बात करते हैं, सब लोग मुझसे कहते हैं
कि दी हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो, तो मैं आप सबकी हेल्प भी करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए मैं किस तरह से आप लोगों की हेल्प करूँ। और एक ना मुझसे क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि आप कितने भाई बहन हो, तो मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए हम ना चार भाई बहन थे, दो भाई और दो बहन थी, मतलब मुझसे बड़े दो भाई थे और मुझसे छोटी एक सिस्टर है मेरी, और जो मेरे बड़े वाले भाई थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो हम में चारों में मतलब सबसे बड़े थे। और जो सेकंड नंबर के भाई हैं मेरे, तो उनसे मैंने अपना रिश्ता तोड़ लिया है, ये समझ लीजिए वो मेरे लिए होकर भी नहीं हैं। कुछ बातें ऐसी होती है ना, कुछ रिश्ते हम लोग खुद से बनाते हैं, कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है, लेकिन कुछ रिश्ते ना समय के साथ साथ ना टूट जाते हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जो भी रीजन रहा हो वो मैं आप लोगों के साथ में फिर कभी शेयर करूंगी कि किस वजह से मैंने अपने भाई के साथ रिश्ता तोड़ लिया है, वो सब मैं बाद में शेयर करूंगी कभी। अभी मैं इस हालात में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन हाँ मैंने अपने छोटे भाई से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, ये समझ लीजिए। और मेरी एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, और बस उससे मेरा कनेक्शन है, वो मतलब आती जाती है मेरे यहाँ, मैं भी उसके यहाँ आती जाती हूँ, और कभी आएगी तो मैं आपको मिलवाऊंगी उससे ज़रूर। तो हम बस अब ये लगा लीजिए, मैं सिर्फ अपने मतलब ये समझती हूँ कि हम बस दो बहन ही हैं बस हमारी लाइफ में, और कुछ नहीं है। और मायके के नाम पे बस ये समझ लीजिए मेरे पापा हैं और मेरी सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, और बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ रिश्ते को ना छोड़ देना ही बेटर होता है अपनी आगे की लाइफ के लिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मतलब मेरे लाइफ में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आए मेरे पुरानी पास्ट को लेकर, या मेरे कुछ भी दिक्कत आए, और मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बेटर बनाना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते इसलिए भी तोड़ने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि उन रिश्तों का असर आपकी निजी लाइफ में भी होने लगता है कभी कभी। तो मैं नहीं चाहती कि उन रिश्तों की वजह से मेरी निजी लाइफ में कुछ भी फर्क पड़े या मेरी निजी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, और अब मैं सब कुछ भूल कर बस आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये समझ लीजिए सब कुछ भूल कर बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। और उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं आप सबकी किस तरह से हेल्प करूं, कैसे हेल्प करूं यूट्यूब पर। मतलब मैं सबको फ्रेंड्स को आगे लेकर चलना चाहती हूं, संग में साथ में आप लोग चाहते हो कि मैं किस तरह से हेल्प करूं आप सबकी, आप सब मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैंने बता दिया है कि मेरी फैमिली में मायके की तरफ से और कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा हैं और मम्मी नहीं है मेरी। और मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि आपकी मम्मी को क्या हुआ था, तो वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी, क्योंकि मैं नहीं अभी बता सकती, क्यों बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ है मेरी लाइफ में बताने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सब कुछ। लेकिन उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए बस मुझे, आप सब लोग यूं ही मुझे सपोर्ट देते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो बस फ्रेंड्स इतना ही मुझे कहना था, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है तो मैं बनाने जा रही थी किचन में चाय, तो चाय पी लेते हैं चल के बना लेते हैं, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।
फ्रेंड्स देखिए चाय तो मेरी बन चुकी है और देखिए क्या है मेरे हाथ में, ये टूट गया है। ये मेरा नमक का डब्बा था और ये सेरेमिक था और ये मेरे हाथ से आने में, इसे वॉश कर रही थी और ये गिर गया और टूट गया, और गिरने के बाद इसके हो गए दो टुकड़े। और इसको ना मेरा फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कि मैं इसे फेंकूँ, तो मैं इसका कुछ DIY करने वाली हूँ। तो जब करूँगी इसके बाद DIY, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो देखिएगा आप लोग भी क्या बनाऊँगी मैं इसका। और ये ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, इस तरह के मेरे पास 3 कंटेनर थे, और एक तो ये था और एक था ये, तो ये इस तरह के कंटेनर थे। तो मैंने ना, मेरा ये वाला टूट गया है, तो चलिए फिर मैं पी लेती हूँ पहले चाय। उसके आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा क्लिप ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा और कोई देखेगा नहीं ज़्यादा। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।